तो आज हम लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका पर्पस था थर्मोडायनेमिक की जो ये आपने थ्योरी पढ़ी अभी तक, हीट, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इनको एक्सप्लेन करना यूजिंग काइनेमेटिक्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आपने प्रेशर पढ़ा है, जो टेम्परेचर पढ़ा है, जो इंटरनल एनर्जी पढ़ी है, इनके जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं, इनके जो लॉस पढ़े हैं, इनको एक्सप्लेन करना यूजिंग मोशन ऑफ द गैसेस, यूजिंग काइनेमेटिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, यूजिंग वेलोसिटीज, यूजिंग रैंडम वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी सबसे लास्ट में डेवलप हुई। इस थ्योरी से हम लोगों ने थ्योरिटिकली एक्सप्लेन किया कि वाई बॉयल्स लॉ क्यों ट्रू है, चार्ल्स लॉ क्यों ट्रू है, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया, इंटरनल एनर्जी में स्पेसिफिक कैसे रिलेट होती है, वर्क डन क्या है, एवरीथिंग, इवन प्रेशर का एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज डिराइव्ड यूजिंग द काइनेमेटिक्स, यूजिंग द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ऑफकोर्स ये ऑलरेडी उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने वाली है जो आप पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। बट इसमें एक टर्म जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक ही जगह से उठ के आए, वो है वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आज हम लोग इसी चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये हमने अभी तक कहानी पढ़ी है गैस के बारे में, इसको फिजिक्स के मॉडल बना करके कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्यों है, इन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो हेडिंग डाली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में इसको केटीजी भी कहूंगा, काइनेटिक थ्योरी इट इज द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यूजिंग काइनेमेटिक्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। Basically, we will going to explain the pressure, the temperature, the internal energy, etc. All the laws using kinetic theory. तो प्रेशर कैसा आया, टेम्परेचर कैसा है, इंटरनल एनर्जी कैसे आई, इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे यूनिक यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। द बेसिक अजम्पशन इन केटीजी are similar to ideal gas. तो KTG के अंदर कुछ assumptions use होते हैं, of course हम लोग theoretically derive करने वाले हैं, तो theory real phenomena को exactly explain नहीं करती, वो real phenomena के अंदर approximations ले करके approximately एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे सामने केटीजी, जब हम लोग जितनी भी केटीजी की बात करेंगे तो वहां पे एक अजम्पशन होगा कि हमारी गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल गैस। केमिस्ट्री में आपने रियल गैस भी पढ़ी है, बट यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस की जो कंडीशन है, आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर,
द मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, ग्रेविटी का इफेक्ट नल होता है, डेंसिटी हर वॉल्यूम इक्वल होती है, वो गॉडरुलो। तो जितने भी केटीजी के कॉन्सेप्ट थे, जो आइडियल गैस इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट थे, आइडियल गैस के जो अजम्पशंस थे, वो डायरेक्टली यहां पे एप्लीकेबल है। और आपको यह भी पता है रियल गैस को भी आइडियल गैस बनाया जा सकता है अगर उसका टेम्परेचर हाई हो। तो जो हमारे सामने एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, इनको भी रियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह माना जा सकता है अगर इनका टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई हो। हाई से मतलब बच्चों केल्विन में, जनरली 300 डिग्री केल्विन हाई होता है, यानी रूम टेम्परेचर में जो गैसेज है ना, दे आर ऑलमोस्ट आइडियल। लेकिन अगर आप 10 डिग्री पे ले जाओ, -10 डिग्री पे ले जाओ, -40 डिग्री पे ले जाओ, तब वहां पे इनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। बट रूम टेम्परेचर पे तो दे परफेक्टली बिहेव लाइक आइडियल मोस्ट ऑफ द गैसेस। एंड सेकंड, लो प्रेशर, इवन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लगता होगा कि ज्यादा नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी छोटा ही प्रेशर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बड़े प्रेशर तो 200 एटमॉस्फेयर, 500 एटमॉस्फेरिक होते हैं, तब ये गैस अपने उनसे हिल जाती है, अपने जो इनका आइडियल बिहेवियर है उनसे हिल जाती है, रियल बिहेवियर में आ जाती है। बट 1 एटमॉस्फेयर जो रूम में गैसेस हैं, ये तो मस्त आइडियल चल रहा है सारा काम। तो यानी हमारे काम का ये जो थ्योरी है काफी काम की है, क्योंकि हम जो प्रेशर के साथ डील करते हैं, हमारे सामने जो वर्क डन हो रहे हैं गैस के, हमारे सामने जो गैस का टेम्परेचर लिखा जा रहा है, दे विल वेरी वेल गो विथ दिस थ्योरी बिकॉज द कंडीशंस आर सिमिलर टू बी एन आइडियल गैस, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहली चीज लिखी है, गैस को आखिर आइडियल करने के पहले आपको सोचना है कि आखिर गैस को कैसे मॉडलिंग, गैस की वेलोसिटीज, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे विजुलाइज किया गया, उनके अंदर उनके मोशन को किस तरह से डिफाइन किया गया, फिर उनके मोशन की मदद से, उनकी वेलोसिटीज की मदद से किस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया, दैट ऑल इज व्हाट वी नीड टू डू। सो हेडिंग डालिए, सबसे पहला काम है इस गैस को समझना, जिसका काम, जिसको, जिसके बारे में बताया था सबसे पहले मैक्सवेल, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। Of molecules of gas. जरा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। मैक्सवेल साहब ने विजुलाइज किया कि किसी भी डब्बे के अंदर जो गैस है वो एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें कौन सी बड़ी बात थी, गैस क्या है, इस रूम में मुझे गैस कुछ दिख नहीं रहा, बट स्टिल इट कैन इट इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन मी, इट इज एक्सर्टिंग, इट हैज सम टेम्परेचर, राइट। तो इस रूम में भले दिख नहीं रहा है, बट देर आर वेरी टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। रैंडम से मतलब है जितने मॉलिक्यूल एक्स में मूव कर रहे होंगे उतने ही माइनस एक्स में मूव कर रहे होंगे, उतने ही वाई में कर रहे होंगे उतने ही माइनस में, यानी एवरी डायरेक्शन इज सिमेट्रिक, उनको कोई डायरेक्शनल स्पेसिफिक नहीं है, दे आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। एंड दैट इज वाई ये हम कैसे कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहां पे भी प्रेशर वही है, इस पॉइंट पे देखूं तो यहां पे भी प्रेशर वही है, उस पॉइंट पे देखो तो वहां पे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे वेरिएबल हर जगह सेम क्यों है, मतलब हर जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, हर जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑन एन एवरेज मोशन सेम होना चाहिए, हर डायरेक्शन में ये गैस सिमेट्रिक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप का कंटेनर हो। तो ये पहला विजुलाइजेशन है कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये सबसे पहला है, ही विजुलाइज्ड, और इन दिस मॉडल वी विजुलाइज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम और गैस हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विथ
रैंडम स्पीड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैंडम स्पीड, किसी की स्पीड वन है, किसी की टू है, किसी की थ्री है, किसी की फाइव है, किसी की हंड्रेड है, किसी की टू हंड्रेड है। रैंडम स्पीड्स इन रैंडम डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शन, इट्स अ वेरी रैंडम मोशन हर डायरेक्शन में। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक इन ऑल द डायरेक्शंस। सिमेट्रिक से मतलब है जैसा एक्स वैसा वाई वैसा जेड। सो नो स्पेशल डायरेक्शन, रैंडम का मतलब नो स्पेशल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल डायरेक्शंस आर सिमेट्रिक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ स्पीड्स एंड मॉलिक्यूल्स मस्ट बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये है रैंडम का मतलब। तो जब चीज कोई रैंडम होती तो रैंडम इज द बेस्ट सिमेट्री, रैंडम इज द बेस्ट सिमेट्री। रैंडमनेस यूनिवर्स की सबसे अच्छी सिमेट्रिक है। कोई बोलता है रैंडम है, रैंडम ही सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल्स के मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके लिए जैसा एक्स है वैसा वाई है वैसा जेड है। इट्स मोस्ट सिमेट्रिक एंड यूनिवर्स वांट टू रिमेन सिमेट्रिक बिकॉज सिमेट्री इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। सो दैट इज द कॉज फॉर द रैंडम मोशन। सो बेसिकली मैक्सवेल साहब ने डायरेक्शन वाला पार्ट को तो हम लोग आगे डील करेंगे कि जैसा एक्स जैसा वाई जैसा जेड, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी डायरेक्शनल रैंडमनेस से आता है कि एवरी डायरेक्शन इज सेम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं ना, तीन डायरेक्शन है तो थ्री, पांच तो फाइव, सिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ये डायरेक्शन से आता है। मैक्सवेल साहब ने जो कहानी बताई थी वो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बताई थी, रैंडम स्पीड्स। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैक्सवेल साहब ने समहाउ मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली कुछ दिमाग लगा करके, अब वो ऑब्वियस सी बात है किसी को ना तो मॉलिक्यूल दिख रहा है किसी को ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ही डिड समथिंग फैंटास्टिक मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली। जो भी उनका नॉलेज था उससे उन लोगों ने एक मैथमेटिकल कर्व डिफाइन किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया, बोले कि ये है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इस फंक्शन को तुम लगाओ और जो तुम्हारा प्रेशर आएगा वो बिल्कुल मैच करेगा, टेम्परेचर मैच करेगा। मतलब इट वॉज लाइक ही वॉज डूइंग थ्योरिटिकल एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स रादर एक्सपेरिमेंटल, राइट। अब उसके पीछे क्या लॉजिक था कैसा लॉजिक था, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज वेरी वेरी हाई थिंकिंग इन मैथ्स, दैट इज विजुअलाइजेशन का बाप है वो। फिजिक्स अगर यहां है तो मैथ करोड़ों टाइम्स ऊपर होती है विजुअलाइजेशन में। सो ही विजुअलाइज्ड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स मैथमेटिकली एंड ही गेव द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व which is called as Maxwell distribution curve. The beauty of this curve is this, that it exactly tells us the exact value of pressure, temperature, जो हम experimentally करके निकालते हैं। यानी अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो experimental physics थी, जो हम experimentally pressure दबा दिया तो इतना आया, ये किया तो इतना आया। He gave the distribution जो mathematically precise answer देता है। So that is why उनके मरने के 200 साल बाद भी आज भी हम उनके नाम का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे हैं। आज से 200-300 साल पहले इन्हें ये ज्ञान दे दिया था। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली है क्या, हमारा काम क्या है इसको समझना है, मैथमेटिकली नहीं सिर्फ ग्राफिकली। इक्वेशन तो मैं लिखूंगा ही नहीं, एनसीईआरटी में जरूर दे रखी है, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन। ये कर्व इन्हें बना के दिया। अब ये दिखने में तो बोले सर सारे कर्व ऐसे ही है, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है बहुत खतरनाक है, मुझे भी याद नहीं है। ये dn is equal to 4 pi n cube into e rest per minus t by m, ऐसे करके कुछ खतरनाक सी इक्वेशन है, उसका ही डायग्राम है। बट ये इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, भगवान की दया से। हमें क्या सीखना है, ये कर्व किसके बीच में है। सबसे पहली बात, दिस इज द कर्व बिटवीन स्पीड, ये v स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड dn by dv। सर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी पहले ये पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विपार्टीशन में आएगा, कंफ्यूज मत हो, अभी फिलहाल एक चीज पढ़ रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना।
दोनों बहुत भयंकर सांड वाली चीजें हैं, अगर दोनों को मिक्स करोगे तो सोचो क्या होगा तुम्हारे पिछवाड़े का, पहले ये सीख लो। dN by dV, जरा समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं तुमको बताने जा रहा हूं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कर्व ये ऐसा दिखता है, ये इसके और इसके बीच में है, ये V का मतलब तो सबको समझ में आ गया, दिस इज द स्पीड, स्पीड ऑफ गैस या स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है गैस की स्पीड या मॉलिक्यूल की स्पीड है, गैस की स्पीड का मीनिंग है या फिर मॉलिक्यूल की स्पीड का मीनिंग होता है, स्पीड किसके लिए की जाती है बोलो, नहीं समझ में आ रहा, मॉलिक्यूल की स्पीड लिखी जाती है राइट। अच्छा ये dN by dV ये क्या है ये मैं समझाता हूं, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट अ गिवन स्पीड, ये डिफरेंशिएशन से मत दिमाग लगाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड नहीं है ये, इट इज मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर कह दो या फ्रैक्शन कह दो ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गिवन स्पीड, ये है इसका मतलब dN by dV की एक स्पीड में, जैसे अगर मान लो इस रूम में पांच तरह की स्पीड्स है, कुछ मॉलिक्यूल 100 से मूव कर रहे हैं, कुछ 200 से, कुछ 300 से, कुछ 500 से, पांच स्पीड है दुनिया में, 100 200 300 400 500, इसके अलावा कोई स्पीड ही नहीं है, 150 स्पीड नहीं है, 350 स्पीड नहीं है, 325 स्पीड नहीं है, सिर्फ 100 200 300 400 500, तो ये जो करोड़ों मॉलिक्यूल हैं ये सिर्फ इन पांच स्पीड में रह सकते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि 100 स्पीड में होंगे वो dN by dV है फॉर 100, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 200 स्पीड में होंगे वो dN by dV है फॉर 200, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें से कई सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्पीड में होंगे ना, सो उस स्पीड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो dN by dV है, सो dN by dV इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गिवन स्पीड एट गिवन स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट गिवन स्पीड, ये है dN by dV। आई बात समझ में, मतलब जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, लेट से ये इस पॉइंट को देखो जरा, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेट से ये है 100, और इस पॉइंट का जो ये वाई कोऑर्डिनेट है लेट से ये है 10 की पावर 10, क्या मुझे बता सकते हो ये v इक्वल टू 100 का मीनिंग क्या है और ये dN by dV इक्वल टू 10 की पावर 10 का मीनिंग क्या है, कैन यू एक्सप्लेन दिस, बताइए क्या ये, व्हाट इज 10 की पावर 10 ईयर, व्हाट डज दिस dN by dV, बट व्हाट इट रिप्रेजेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 10 मॉलिक्यूल्स 100 के स्पीड में मूव कर रहे हैं, शाबाश, बस सिंपल सिंपल है ना, dN by dV तो है ही मीनिंग, बट इसको समझो, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इतने मॉलिक्यूल है राइट, तो ये सारे मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, 100, समझे, तो ऐसे यहां पे जो स्पीड लिखी हुई है वो 0 से लेकर के 0, 10, 100, 200, 500 ऐसे करके स्पीड यहां पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं देखो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पे ये स्पीड बढ़ रही है, शुरू में तो ज्यादातर मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड में है राइट, कम स्पीड में भी मॉलिक्यूल कम है, देखो जीरो स्पीड में बहुत कम मॉलिक्यूल दिख रहा है ग्राफ, dN by dV की ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है या थोड़ा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से, मतलब इट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जीरो से भी कर सकते हो, कई किताबों में जीरो से कर देता है, एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर से, तो अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट ये है कि जीरो में जीरो मॉलिक्यूल है राइट, यानी बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है जो रेस्ट पे होंगे, बहुत कम मॉलिक्यूल, और वैसे ही आप देखो बहुत हाई बुलेट की स्पीड से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है, आगे जाकर के ग्राफ जीरो हो रहा है, यानी सारे मॉलिक्यूल जो गैस के हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, गैस के हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, वो बीच में ही है, यानी 100 150 200 इसी के बीच में ज्यादातर मॉलिक्यूल है, मेक सेंस, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने तो ग्राफ बनाया है, वैसे ही एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन था जो कि हमें नहीं पढ़ना, बट यस हमें उसके रिजल्ट पढ़ने। अच्छा ये बताओ, अभी मैं इसके आगे रिजल्ट लिखूंगा, उससे पहले आप ये खुद बताइए,
ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैक्सिमम स्पीड रिप्रेजेंट करता है या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है फॉर अ गिवन स्पीड? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। और इसी चीज को बोला जाता है बच्चों वी मोस्ट प्रोबेबल, यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली स्पीड। यानी अगर मैं इस रूम में इतने सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल को पकड़ूं और उसकी स्पीड अगर निकालूं, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वाला मॉलिक्यूल होगा जो इस स्पीड में है, क्योंकि इस स्पीड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ये मेजॉरिटी में है, ये सबसे ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड एज वी मोस्ट प्रोबेबल। तो इसी तरह से इस ग्राफ को स्टडी करके इसके तीन रिजल्ट आते हैं। एक तो मीन, इन सारी वेलोसिटीज का मीन क्या है, एक वी मोस्ट प्रोबेबल और एक वी आरएमएस, वी रूट मीन स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट हमें रटने हैं और इन्हीं तीनों के ऊपर बेस हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिराइव होंगे। सर मतलब मेक सेंस? हां वी मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वही लेंगे हम। यस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, बिल्कुल सही शब्दों में तुमने बोला है। V most probable is the speed of molecules which are in majority at a given speed. Very good. Well done. Clear है? तो जैसे मैंने आपको ग्राफिकली एक पॉइंट बताया, वैसे इसके तीन रिजल्ट आते हैं। वी आर गोइंग टू राइट, लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट, वी मीन का मतलब क्या होता है? वैसे सारी स्पीड का क्या ले लिया हमने? मीन ले लिया, इसको वी मीन कहते हैं। और इसकी वैल्यू जब मैंने उस कर्व के लिए निकाली, उस कर्व के मैथमेटिकल फंक्शन को डाल के निकाली, तो इस चीज की वैल्यू निकल के आई। देखिए इस चीज की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट 8RT बाय पाई एम। अब ये वैल्यू उस मैथमेटिकली हमने एक किया होगा कुछ, उससे निकल के आई है। सो आपको याद रखना है, ये इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, IIT के अंदर भी नहीं। ये टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में होना चाहिए। ये एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, याद रहे ये केजी में होना चाहिए, और बाकी तो सारे कॉन्स्टेंट्स ही। एग्जाम्पल नंबर टू, मतलब रिजल्ट नंबर टू, वी मोस्ट प्रोबेबल इट इज द स्पीड at which maximum number of molecules are moving. तो ये इसकी वैल्यू आती है उस ग्राफ से, वो जो हमने निकाला ना, बेसिकली वो dn by dv को जीरो पुट करके आती है। इसकी वैल्यू 2RT by pi m, VMP कहते हैं, वी मोस्ट प्रोबेबल। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये है VRMS, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं इसको, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड। देखो जरा, स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड, वो ये है, विच इज रूट ऑफ मीन ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समझ में आया? देखो मैंने पहले मीन लिया स्क्वायर्स का,
हर स्पीड को स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, मीन ले लिया। अब इस मीन का रूट ले लिया, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ये एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बी सा वेलोसिटी है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? और सर बी वेलोसिटी है ना, दैट्स ऑल, क्लियर है? बी वेलोसिटी है ना, क्या बी वेलोसिटी है? स्पीड है, वेलोसिटी मत बोलो, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इट्स अ स्पीड, वी इज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं स्पीड का एवरेज ये है, उन्हीं स्पीड का मोस्ट प्रोबेबल ये है, और उन्हीं स्पीड का आरएमएस ये है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय पाई एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पूरे चैप्टर की जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो इसी चीज से आए हैं, ये आपको याद रखना है, ये आगे काम भी आएगा, ये आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। वी आर एम एस, आइए आगे चलते हैं। हाँ तो ये आर और ये जो एम है सर, ये गिवन होगा सर क्वेश्चन में, मतलब एम क्या है इधर? मॉलिक्यूलर, अच्छा एम मॉलिक्यूलर वेट है, और सर ये आर मतलब गिवन होगा क्वेश्चन में ही है। आर की वैल्यू तुमको, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 25.3, ठीक है सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला आ रही है ना, याद रहे 25/3, 8.31। चल तो काम की बात यह है, सबसे पहले अच्छा एक दो रिजल्ट और लिख दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इन तीनों चीजों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़ी कौन सी स्पीड है, सबसे बड़ी कौन सी है बताओ जरा देख के सर? 8 RT वाली, ART बाय M नहीं, 8 RT बाय पाई M लिखा है। सबसे बड़ा कौन सा है जरा बताओ, देखो जरा ये T और R और M तो सब में सेम है, विच वन इज द लार्जेस्ट वन? रूट अंडर 8 RT बाय पाई M, विच वन इज लार्जेस्ट वन, देख के बताओ जल्दी से। अगर मुझे ये पाई एम नहीं, सॉरी रूट, ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी सॉरी, ये पाई एम नहीं, रूट 3 RT बाय एम है, बस ये यहां पे भी पाई नहीं है यार, ये भी नहीं है पाई, आई एम सो सॉरी गाइस, पाई सिर्फ ऊपर वाले में था, इनमें सिर्फ यहां पे है। वो जो रूट 3 RT है वो एक तरह से 25T/m भी हो सकता है ना? हाँ ये है बच्चों, ये सॉरी मैंने वो पाई गलत, पाई सिर्फ एक ही में है, इनमें पाई नहीं है, इनमें बस ये अकेले। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है सर? अंडर रूट 8 RT/m। ध्यान से देखो यार, वो पाई हटा चुका हूं, पाई नहीं है, 3/m, पाई नहीं है, पाई सिर्फ ऊपर था, इनमें नहीं है पाई सर, 3/m, 3, वेरी गुड, 3 सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा 2 सर, वी मीन यही तो कंपेयर करना है, 8/pi ये बड़ा है या 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, इन्हीं को तो कंपेयर करना है, बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 2 से तो बड़ा है ना, कैसे 2 से बड़ा होगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, तो 8 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये चीज बड़ी होगी 2 से, लेकिन 3 से छोटी होगी ना, इसमें क्यों टाइम लग रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, राइट, समझ गया। बाकी एक याद रखने का तरीका है, देखो तुमको ये नंबर तो याद रहेंगे, एक में 3 था, एक में 2 था, एक में 8/pi था, लेकिन तुम भूल जाओगे कि कौन सा मीन था, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल था, कौन सा वीआरएमएस था, वीआरएमएस फिर भी याद रहता है। तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं, याद रखना ये जो मीन है ना, ये बीच में होगा इन दोनों के वैल्यू वाइज, मीन है तो सबसे छोटा मोस्ट प्रोबेबल, सबसे बड़ा वीआरएमएस, और सबसे बीच में मीन, ऐसे याद रख सकते हो। तो यहां पे भी सबसे बड़ा वीआरएमएस,
सबसे छोटा मोस्ट फ्यूल और मीन वाला बीच में, ये 8/π वाला मीन है, ऐसे भी याद हो जाए वैसे भी याद हो जाए एक ही बात। चलिए दूसरी बात सर, चौथा रिजल्ट, एरिया अंडर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो इसका एरिया है ना dN by dV versus V, dN by dV versus V, इसके अंडर का जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं बोल रहा हूं, दिस एरिया इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे आया देखो, कोई बता सकता है कैसे आया एरिया? हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी कर्व का? तुम्हारे सामने करोड़ों बार में एरिया लिख चुका हूं, इंटीग्रेशन से लिखते हैं, राइट? यस सर। तो इसका एरिया जब मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेशन किसका करना है? किसका इंटीग्रेशन करने से ये एरिया मिलेगा? किन दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करने से ये वेरिएबल मिलेगा? अपॉन डीवी इनटू वी। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? डीएन बाय डीवी इंटू ब्रेथ क्या है? वी नहीं लिखना यहां पे, डीवी लिखना, इंटीग्रेशन में डीवी वो कट जाता है, तो यहां से डीवी से डीवी कट गया। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएन। स्कूल में प्रूव आ सकता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिग्निफाई? यू विल राइट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा या टेम्परेचर कम कर दूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज? कॉन्स्टेंट। हाँ, तो ये एरिया सेम रहेगा। आइए और करते हैं अब इसको, अब ये चार बाकी मैं तुमको रिजल्ट की तरह लिखवा सकता हूं, बट आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा, बाकी ऐसा रिजल्ट नहीं लिखूंगा। लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन, अपना आराम से दिमाग लगाओ, वो तीनों वैल्यूज मैं साइड में लिख भी देता हूं, अगर नहीं याद हो रही एक बार में सो थोड़ी देर के लिए लिख लो। अंडर रूट क्या थी जरा बताओ, जल्दी बताओ यार। और वी मीन के लिए रूट अंडर 8 RT/m, दिस इज 8 RT/m, बीच वाली होगी 8 RT/m, और ये अंडर रूट 2 RT/m, सिंपल है, राइट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है आपको, और यहां पे ये मैंने बनाया कर्व, यहां पे मैंने चार वेलोसिटीज बनाऊंगा मैं, चार, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना, बन गई ना चार, एक ये और पांच बना देता हूं। ये है वी वन, ये है वी टू, ये है वी थ्री, वी है ये वी फोर और ये है वी फाइव। इनमें से तीन वेलोसिटीज, इन पांच में से थ्री वेलोसिटीज, इफ थ्री वेलोसिटीज represent v mean, v most probable and v RMS, identify बताओ इन तीन में, इन पांच में से कोई तीन v mean है, v most probable है, v RMS है, बताओ कौन सी? सर पांच में से कोई तीन मतलब नहीं समझ में, बाकी दो कोई कोई भी उटपटांग वेलोसिटीज है, बट तीन आपको बतानी है, विच ऑफ द थ्री? सर वी एम पी तो वो वाला है सर, दोनों साइड से जो मिडिल में है सर,
सबसे मैक्सिमम वाला, राइट, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान V3 तो क्या है, ये है, वेरी गुड, दिस इज VMP, वेरी गुड, सही कहा आपने, V मोस्ट प्रोबेबल का मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट, वेरी गुड, तो V मोस्ट प्रोबेबल तो हमें मिल चुका है जी, वो है V3, बताओ बाकी, फिर V5, VRMS है, V5 VRMS है, या V4, V4 क्यों नहीं है, V4 ही है शायद, V4 हो सकता है VRMS, यस सर उससे ज्यादा ही है, सोचो सोचो एक मिनट लो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है, बोलो सर, मैंने V5 इसलिए सर VRMS सर क्योंकि आपने बताया ये सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी का मतलब ऐसा तो इनफिनिट वाली भी ले लो, यहाँ पे सर है ना इनमें तीन में सबसे बड़ी भाई, फिर इन पांचों में मैक्सिमम तो वही है ना, तो V वो है क्या नाम है, V mean 4 हो गया, अगर सॉरी V mean अगर 2 हो गया, मतलब दूसरी वाली मीन वाली वेलोसिटी अगर 2 हो गई तो ये आरएमएस तो 4 भी हो सकती है, तब भी सबसे बड़ी हो जाएगी, राइट, कैसे पता करें, हाँ जी सर कैसे पता करें, चलो इनमें सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, VMP, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो बाकी दोनों इनसे क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो अगर ये V मोस्ट प्रोबेबल है और यही सबसे छोटी है तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गई ना अपने आप ही, यस सर, अभी मैंने तुमको बढ़ते क्रम क्यों बताया, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि ये वेलोसिटीज कहां एग्जिस्ट करती है ग्राफ में, वैसे तो थ्योरी का पार्ट है बट आई आस्क्ड यू एज अ क्वेश्चन, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, तो क्लियरली यहां पे V3 जो है ये है और सबसे छोटी ही है ये, यानी बाकी दोनों वेलोसिटी आ गई होंगी, अब आगे में क्लियरली दिख रहा है ये जो है ये सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी VRMS, और बीच वाली जो हो जाएगी इन दोनों के बीच में जो हो जाएगी वो V mean, सो करेक्ट आंसर विल बी दिस इज V4 एंड दिस इज V5, क्लियर हुआ, चलिए नहीं हुआ, समझे नहीं हुआ, क्या डाउट है बताओ, नहीं आपने बोला सर मोस्ट प्रोबेबल सर V3 होगी वो सबसे मैक्सिमम में, सर वो समझ में आ गया, लेकिन सर V4 और V5 सर V mean और VRMS कैसे हुआ वही समझ नहीं आया मुझे, ये तुम्हें वैल्यू दिख रही है, दिख रही है वैल्यू, यस सर, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, कैसे पता करोगे, क्या देखना है मुझे, सब कुछ देखना है, क्या देखना है बताओ, बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी ना, आरएमएस वाली होगी, आरएमएस वाली सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है ठीक, हाँ सबसे छोटी सर, सबसे छोटी सर वी मीन होगा ना, वी मीन है ना, वी मीन नहीं है, वी मोस्ट प्रोबेबल है, 8 बाय पाई भी 2 से बड़ा होता है, ठीक है, ओके सर, तो ये सबसे छोटी, ओके इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, ठीक है, ओके सर, अब ये ग्राफ बताओ, के इन वेलोसिटीज में सबसे छोटी कौन सी है, सर ग्राफ के पर्सपेक्टिव में बताइए ना सर, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है, सर सबसे छोटी कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे छोटी कौन सी है, छोटी वैल्यू तुम ऐसी हाइट से देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो, ये हाइट से इनकी डिसाइड हो रही है या हॉरिजॉन्टली, क्या मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनकी वैल्यू हाइट से डिसाइड कर रहे हो या ऐसे डिसाइड कर रहे हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट में लिखी है ना,
हाँ सर, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज डॉट्स। ठीक है सर, वर्टिकल हाइट नहीं है ये, वैल्यू v की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कितना दूर है ओरिजिन से इस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे बड़ी ये है ना। यस सर, ये सब उसके बाद फिर ये सबसे छोटी है, तो हमारी इन तीन में से जो सबसे छोटी है मोस्ट प्रोबेबल वो v3 है। yes, sir, okay. और बाकी दोनों इससे तो बड़ी होनी चाहिए, तो ये टू और वन तो कट गए, फोर और फाइव बचे, तो इन दोनों ये हो गई। समझ आया? चलो, कई लोग देख रहे थे एक्चुअली, में सिर्फ तुम नहीं, कई लोग। चलो कोई बात नहीं, बट यू हैव आस्क्ड, गुड। एग्जांपल नंबर टू, सेकंड एग्जांपल जो है इसी के ऊपर वो ये है, इफ द टेम्परेचर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व is given as shown for a gas at temperature T. T temperature पे एक गैस का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे गिवन है, dN by dV V. The curve is given something like this. ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो यहां पे कहीं पे है, लेट्स से वी नॉट। नाउ पूछा है इफ टेम्परेचर इज डबल्ड देन द कर्व will then the new curve will be, अगर हम temperature double कर दें इस गैस का तो उसका नया कर्व कैसा होगा। अब मैं तुम्हारे सामने दो तीन ऑप्शन बना रहा हूं, एक ऑप्शन तो यही है, this is option number A, एक ऑप्शन ये है, सर। हाँ जी सर, सुबी वेटिंग रूम में है, ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन ये है, पहले ऑप्शन बना दूं सारे। सर वेटिंग रूम में है, दिख ही नहीं रहा सर, वेटिंग रूम में, सर सुबी वेटिंग रूम में है। इतना लेट क्यों आती हो? ऑप्शन नंबर सी, और जगह नहीं ज्यादा बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एबीसी में ही बताओ, ये ओरिजिनल कर्व है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला ओरिजिनल कर्व है, एक और बना लो। चलो ये डी, चलो बताओ इनमें से कौन सा कर्व बन जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर डबल कर दूं तो ये ग्रीन वाला कर्व कैसा बन जाएगा? ये मोस्ट प्रोबेबल लिखा हुआ है, टेम्परेचर डबल कर दिया सर, मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे ना, सब कुछ सेम है, वही गैस है डब्बे में बंद, टेम्परेचर डबल, सर स्पीड बढ़ जाएगी गैस की, हुँ? गैस की मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी ना, गैस की मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाएगी, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। हमें कौन से मॉलिक्यूल को ढूंढना है इस कर्व को पहचानने के लिए, हमें कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा काम की होती है? वीआरएमएस, वीआरएमएस, आरएमएस से भी नहीं, कर्व को पहचानने के लिए, कर्व को किस पॉइंट से पहचानोगे? हर एक कर्व को उसके मैक्सिमम से पहचानोगे ना,
यस सर। देखो जरा हर एक कर्व को उसके मैक्सिमम से पहचानोगे ना, एक चीज तो पक्का है, हर एक पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो वी मोस्ट प्रोबेबल की फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट एट सॉरी टू आर टी बाय एम। तो मैं कह सकता हूं कि वी मोस्ट प्रोबेबल इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, कैन आई से दिस और नॉट। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। Yes, है ना? राधर yes, मैं एग्जैक्टली exactly बता सकता हूं रूट टू टाइम्स हो जाएगी। तो बताओ इनमें से किस ग्राफ में जो ये वी मोस्ट प्रोबेबल है वो बढ़ रहा है, इन विच ग्राफ द वी मोस्ट प्रोबेबल इज इंक्रीजिंग, कहां पे मैक्सिमा की वैल्यू बढ़ रही है, कहां पे मैक्सिमम ग्राफ सी में बढ़ रही है, डी में और ए एंड डी, फिर ए में, सी सी में, सी में, ए ए। तुम फिर से मैक्सिमा देख रहे हो, तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हो, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अरे भैया ये कोऑर्डिनेट किस में बढ़ रहा है, हाँ सी ग्राफ, सी वाले ग्राफ। देखा सेम मिस्टेक कर रहे हैं सब लोग। यस सर वो ऊपर, बेसिकली ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो कौन से वाले ग्राफ के मैक्सिमा का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो आंसर इज एक ही में बढ़ रहा है भाई, सी। लिखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमा मस्ट इंक्रीज। आई बात समझ में? अच्छा यहां ध्यान से देखो, एक और तुम्हारे दिमाग में डाउट होता है कि सर वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अरे भाई एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे ना। तो पहले जो ग्रीन वाला एरिया था वो एरिया अभी भी वही होना चाहिए, तो जब ये आगे बढ़ेगा ग्राफ तो मोटा हो जाएगा, लेकिन एरिया टोटल सेम करने के लिए हाइट फिर उसकी कम हो जाएगी। सो यू कैन सी ग्रीन वाला एरिया और व्हाइट वाला एरिया सेम होना चाहिए, ये रेड वाला और ये तो कभी भी नहीं हो सकते। समझ में आई बात? येलो वाला कब होता, येलो वाला कब होता, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता, वेरी गुड, कम हो जाती, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते तो येलो वाला हो जाता। अब देखो इसका भी एरिया लगभग मैंने सेम ही बनाया है, लेकिन ये टेम्परेचर कम होने के लिए था तो इसलिए ये गलत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर थ्री, द टू मोल ऑफ इज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। बताइए रूट 50 मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर वेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मोल से। अच्छा मोल से आता मॉलिक्यूलर वेट? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो निकालना पड़ेगा ना सर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा कि रटा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट।
32 मास तो नहीं निकालना यार, मॉलिक्यूलर वेट। सर इसका तो याद है, तो मास निकालना। मास समझ लिया सर। यस सर, इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बताओ कितना आ रहा है सर। फिर 2 मोल का क्या रोल है? तो 2 मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, रूट 500 आ रहा है मेरा। ये तो तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए लिखा है। 2 मोल VRMS को मास अमाउंट से, ये तो मीन है ना यार, मीन लिया था ना, कट गए मोल और सब, वो मीन में। सर रूट अंडर 234.2 नहीं 3RT/M राइट? यस सर। अभी भी कई सब ने गलत की, किसी ने सही से नहीं डाला, जबकि मैंने बोला था इसीलिए। सर 3RT डाला था सर, टेम्परेचर 3RT तो डाला था, उसके आगे सर टेम्परेचर को केल्विन में कर लेंगे। हाँ एक और गलती होती है, 300 कर लेंगे इसको। केजी में 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 सबको पता है, लेकिन ये ग्राम है। ग्राम है सो दिस इज 32 केजी, लेकिन 32 × 10⁻³ kg। तो यहाँ पे दो जगह झटका लगता है, एक तो पहले 3, फिर उसके तुम टी गलत कर सकते हो, फिर एम गलत कर सकते हो। बट आई होप अब इस क्वेश्चन के बाद यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन दिस, जो भी आएगा सॉल्व कर देना। तो इतनी छोटी नहीं आती स्पीड, काफी बड़ी आती है। सो दिस इज लाइक 75/32, दिस इज अंडर रूट ऑफ 75 × 10⁵. काफी बड़ी वैल्यू आएगी, 300-400 के राउंड आती है। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इस यहाँ पे, एग्जाम में करके आएंगे। लेकिन ऑफकोर्स समझ में आई बात, तुम डोंट डू द मिस्टेक, इट शुड बी इन केजी। ये केजी में होना चाहिए, ये केल्विन में होना चाहिए, और ये सही से देखना है ये क्या पूछ रहा है। आगे एग्जांपल नंबर 4। तो ये इसकी यूनिट क्या आएगी फिर? क्या 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 इसकी फिर यूनिट क्या आएगी बताओ जरा, यूनिट क्या आएगी? अच्छा मीटर पर। स्पीड की यूनिट क्या होती है? ओके जब सारी चीजें तुमने केजी मीटर सेकंड में लिख दी, ऐसा यूनिट में आएगी ना। एग्जाम्पल नंबर 4, द कंटेनर एज मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस दैट इज हीलियम एंड ऑक्सीजन, इफ द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर वर्ड सुना है ना तुमने केमिस्ट्री में? हाँ सर सुना है सुना है। आर 1:2 देन फाइंड VRMS helium upon VRMS O2 for both, दोनों के पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है ना। है सर रेशियो निकालना है ना इन दोनों, ये क्या लिखा है? तो मतलब सर इसका मतलब ये है ना कि मतलब प्रूफ वूफ तो नहीं करना ना इसका, प्रूफ प्रूफ करना है, रेशियो निकालना, फाइंड दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, फाइंड दिस। बताओ जी जल्दी,
देखिए सर, 1:8 1:8 कैसे किया सर? √3RT/m कर दिया, 3RT और 3RT तो कट जाएंगे, तो दोनों का m upon m आ जाएगा। शाबाश, पार्शियल प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है सर इसमें। ये फिर से तुमको पागल बनाने के लिए दे रखा है, फॉर्मूले के ऊपर भरोसा तो करो। VRMS की वैल्यू क्या है? √3RT/molecular weight, दैट्स ऑल। इट ओनली नीड्स द टेम्परेचर एंड द मॉलिकुलर वेट, दैट्स ऑल, नथिंग। हाँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे ये दोनों निकाले जाएंगे इनडायरेक्टली, बट इस फॉर्मूले में जब आपको दे दिया है तो 3 और R कट गए, मॉलिकुलर वेट का रेशियो लिख दोगे, बताओ टेम्परेचर का रेशियो क्या लिखोगे? क्या ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर का रेशियो? टेम्परेचर का रेशियो कैसे लिखेंगे आप? इन दोनों के टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा? प्रेशर पे तो डिपेंड नहीं करेगा, मिक्सचर ऑफ गैस लिखा है यार, एक ही डब्बे में गैस है तो टेम्परेचर तो सेम हुए ना? सेम होगा सर। शब्दों को पहचानो, अच्छा क्वेश्चन था। मिक्सचर ऑफ गैस लिखा हुआ है तो टेम्परेचर सेम होगा जी, मिक्सचर है ना डब्बे जैसे। इस कमरे में क्या ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर अलग है, नाइट्रोजन का अलग है? नहीं सर। नो, मिक्सचर का तो सेम होता है पूरा, सेम टेम्परेचर होता है मिक्सचर का। अगर टेम्परेचर अलग देते तो फिर उसका भी रोल आता, बट इस केस में नहीं है, तो पहचानना है। और प्रॉब्लम यही आती है इस तरह के क्वेश्चन में कि पहचान में नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स आ गए ना, बट इट इज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। तो VRMS ऑफ हीलियम अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन जब आप करोगे तो सीधा ही मैं डिवाइड करता हूं अंडर रूट ऑफ, बताओ क्या आ जाएगा? क्या लिख सकता हूं मैं? T1 by T2 इंटू, बताओ इंटू क्या करूं, M1 by M2 करूं या M2 by M1 करूं? सर M2 by M1। अब डाल दो यहां पे, ये टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही हो गया, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ऊपर ऑक्सीजन आएगा तो कितना है 32, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन एटम नहीं है, और हीलियम का होता है 4, तो ये हो जाएगा 4, 8, तो ये कितना आ गया, 2√2 आ गया, राइट, 2√2/1, ये आंसर हो जाएगा इसका सीधा। क्लियर है? सो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में ये दिक्कत आएगी तुम्हें, बट ये फॉर्मूले पे अटके रहो, पकड़े रहो उसको, टी को ढूंढो, एम को ढूंढो, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आपको एक और देखो घुमा के देता हूं, इसमें यही घुमा घुमा के सेम चीज पूछ रहे हैं लेकिन घुमा घुमा के। देखो एग्जांपल नंबर 5 सर, आप भी बोल दिए ना कि पार्शियल प्रेशर पता है कि नहीं, तो हमें लगा कुछ होगा। हाँ थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ता है ना, तो एक ही बार नहीं उड़ा देते तुम लोग क्वेश्चन। फाइंड दी RMS स्पीड ऑफ गैस इन अ कंटेनर हैविंग डेंसिटी 1.21 ग्राम पर मीटर क्यूब, 121 ग्राम पर मीटर क्यूब एंड प्रेशर वन एटमॉस्फेयर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें दिमाग लगाओ, क्योंकि ना तो मैंने यहां टेम्परेचर दिया है, ना मैंने यहां पे मॉलिकुलर वेट दिया है, 4.3, ना टेम्परेचर दिया है ना मॉलिकुलर वेट दिया है, मैंने दिया है आपको डेंसिटी और मैंने दिया है आपको प्रेशर।
सो कैन यू थिंक ऑफ एनी रिलेशन केमिस्ट्री की मेहनत काम आ रही है. कितना आ रहा है सर? सर मेरा आ रहा है 3/121, तो इसका आ रहा है यूनिट सही से पुट करना या ग्राम लिखा हुआ है. डोंट डू द सेम मिस्टेक. लेकिन नीचे मीटर क्यूब भी लिखा हुआ है, सो टेंशन भी नहीं है. ऊपर को बस ग्राम को कन्वर्ट कर दो. एक मिनट और लो, फिर बता रहा हूं. वी आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m. और आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू होता है रो आर टी बाय एम, राइट? यस सर. आपने नहीं पढ़ा ये PV इक्वल टू NRT से निकल के आता है ये फॉर्मूला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. ये P प्रेशर होता है और रो डेंसिटी होती है, याद है ना? हाँ सर. तो ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा था वो यहां लग जाएगा P को डेंसिटी के टर्म्स में, राइट? तो यहां से मैं लिख सकता हूं RT/m इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी तो अब आज से याद भी रखेंगे, सीधा ही याद रखना, बार बार डिराइव नहीं करना. ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला हमारे लिए VRMS का. बताओ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ सर. रूट 3P/d. 3P/d डी हाँ या रो. 3P/ρ. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन टू रिमेंबर. इट्स अ वेरी, ये भी VRMS का एक डेफिनेशन ही है, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. कब काम आएगा ये? जब इस तरह से प्रेशर गिवेन हो और डेंसिटी गिवेन हो तो इस तरह तब काम आएगा, राइट? तो बता दो कितना होगा यहाँ पे. अब बस ये ध्यान रहे, ये भी केजी में होनी चाहिए. दिस शुड बी इन केजी. ये होना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब. और ये होना चाहिए किसमें? पास्कल्स में. पास्कल एटीएम में नहीं चलेगा. एटीएम में नहीं चलेगा जी सर. 2.75 समथिंग आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा सम. 2.75 इसको छोटा करते हैं तो कितना आ गया? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P. सो 3 प्रेशर हो जाएगा कितना देर का? 1 एटमॉस्फेयर. तो दैट इज होता 10^5 पास्कल, राइट? अपॉन डेंसिटी कितनी दे दी है? रो 121. 121 है. 121 को केजी में लिखोगे तो ये 10^3 हो गया. तुम्हारे ख्याल से आएगा तुम्हारा ये? तो कितना आ जाएगा ये? 3/121. तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3 × 10^8 अपॉन 121. सो लगभग मान लो इसको कितना आ गया. ठीक है, यहां से निकाल लो वैल्यू मीटर पर सेकेंड. चलिए, तो ये VRMS के फॉर्मूले थे. अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसके पीछे. आई गेस ये क्लियर हुआ सबको. VRMS का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया. VRMS के दो रिजल्ट याद रखने हैं. VRMS एक तो था अंडर रूट 3RT/m और VRMS निकल के आया 3P/ρ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं के ऊपर बेस आपके एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. और ये VRMS बहुत यूज होगा आगे. हम जितने भी डेरिवेशन करने वाले हैं उनमें ये VRMS यूज होगा. तो कभी मैं ये लिखूंगा, कभी ये लिखूंगा, जहां मेरा मन करेगा मैं वो लिखूंगा. आपको ये याद होना चाहिए. देखो, मैंने जानबूझ करके बाकी दो को नहीं कहा. जब मोदी जी जीत के आए थे 2014 में, प्रधानमंत्री जब बन के आए थे, ठीक है, तो उनके साथ कई सारे नेताओं ने बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन एक ही आदमी उनके साथ रेड कार्पेट पे चला था, वो था अमित शाह. Yes, तो यहाँ पे इतने सारे आपने वेरिएबल पढ़े, इतनी सारी मैंने कहानी कराई, लेकिन इनमें
असली आदमी कौन है, समझ में आया? किसके ऊपर टिकी है, किसके ऊपर आगे का पूरा कौन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे एग्जाम में 99% क्वेश्चन आया, वो क्या है? वी आर एम एस, राइट। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहानी थी, ये उसके महाराजा हैं, याद रखना इनके दोनों रूप। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द पैरामीटर्स और द वेरिएबल्स ऑफ द गैस यूजिंग काइनेमेटिक्स। तो जस्ट अभी आपने काइनेमेटिक्स की मदद से ही तो ये वेलोसिटीज लिखी, अब इसी की मदद से आगे प्रेशर लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगी कहानी। तीन चीजें लिखनी है, प्रेशर डिराइव करना है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डिराइव करनी है, एंड थर्ड मीन फ्री पाथ डिराइव करना है, वो भी है। तो ये तीन ही चीजें एनसीईआरटी में डिराइव करवाई गई हैं आपसे। वैसे तो इनसे सब कुछ हो जाता है, मॉलिक्यूल का डायमेंशन तक निकाल लेते हैं यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, बट वी डोंट हैव टू डू इट, वी कैन प्रूव एनी लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये लॉ फला, जितने तुम्हारे बॉल्स लॉ, चार सारे लॉ प्रूव हो जाते हैं काइनेटिक थ्योरी से। बट इन आर सिलेबस, इन जेई नीट, आपके स्कूल में सिर्फ तीन ही है, एक तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिससे आपको फील आए कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और अब इस वेलोसिटी की मदद से किस तरह से हम लोग डिराइव करने वाले हैं प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और मीन फ्री पाथ। जस्ट थ्री डेरिवेशंस, थ्री रिजल्ट्स एंड 3355 क्वेश्चंस, राइट। चलिए आज हम लोग कर देंगे इंटरनल एनर्जी और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इक्विपार्टीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं तुम्हें बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया, क्यों होता है ये, क्या होता है ये। देखिए, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम इंटरनल एनर्जी लिखते हैं किसी भी गैस की, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो गैस का मतलब ये दीवाले नहीं है, ये कंटेनर नहीं होता, ये पिस्टन नहीं होता, गैस का मतलब वो मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेसिकली हम उन मॉलिक्यूल की एनर्जी लिख रहे हैं जो इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं, राइट, जिसको हम गैस कह रहे हैं। तो उन मॉलिक्यूल की क्या क्या एनर्जी हो सकती है, उन मॉलिक्यूल की हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, उन मॉलिक्यूल की हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। लेकिन जैसा मैंने बताया, आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब मैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, तो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं काइनेटिक का क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, वो रोटेशन भी कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी मॉलिक्यूल सिर्फ सीधे चल रहे हो, अगर मॉलिक्यूल घूमते घूमते ओमेगा की तरह रोटेट भी कर रहे हो सकते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेट भी कर। और यही नहीं, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करने लग जाते हैं। तो प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, वो आपसे बता देगा अगर हाई टेम्परेचर है कि काउंट द वाइब्रेशन, अगर नहीं बताएगा तो लीव करना। जैसे अभी तक हमने वाइब्रेशन को नहीं माना है, बट अब मैं सब कुछ मान के चलूंगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। लेकिन एक मॉलिक्यूल की लिखूंगा या सारे मॉलिक्यूल की लिखूंगा, एक की लिखनी है, इस कमरे में जितने ही मॉलिक्यूल है सबकी लिखनी है, क्या लगता है? सबकी, सबकी। तो यहां पे क्या लगा दूंगा, सिग्मा। आई बात समझ में? यस सर। आई फ्रॉम वन टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड, समझ में आई बात अच्छे से? इसका मतलब समझते हो ना क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं हाफ सर एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर प्लस 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 हाफ एम इंटू वी एन स्क्वायर, जितने भी मॉलिक्यूल है सबकी स्पीड का सम ये है। इसको इतना बड़ा लिखने के वजह सिग्मा से काम चल जाता है हमारा, समझे? अच्छा देखो, मैंने सबके मासेस सेम माने हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ही होगा
हर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ही होता है, कैन आई से? यस सर, ऑफ कोर्स, यस सर, ये तो फंडामेंटल नेचर है, सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं एक एलिमेंट के, तो एक ही टाइप की गैस के सारे मॉलिक्यूल सेम हो गए, तो सबके लिए M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है, एम सेम है। प्लस बताओ जरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सिग्मा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे आई और ये ओमेगा आई लिख रहा हूं, आई फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो? तो अभी खैर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा नहीं है, बट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाइब्रेशन स्क्वायर। ये इसमें दो टर्म होते हैं, ये बाद में जब मैं SHM पढ़ाऊंगा तब आपको मैं अच्छे से कराऊंगा, अभी आप बस ध्यान रखिए वाइब्रेशन के अंदर कितने टर्म आए, एक तो स्प्रिंग वाला और एक ये काइनेटिक, दोनों होते हैं दो, बाकी सब में एक एक टर्म आए, इनमें इसमें दो है, समझे? नहीं समझ में आया? यस सर, इस चीज को बोला जाता है टोटल एनर्जी यू। सर वो विज्ञान में आया क्या है? हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन लिख रहे हैं ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नो सर, वो जो उसके नीचे है लिखा है ओमेगा के, आइए अरे ये लिखने का तरीका है सिग्मा को, जैसे मैं लिख रहा हूं, लेट्स से मैं चाहता हूं लिखना सिग्मा, जैसे मैं ये लिखना चाहता हूं 1 square + 2 square + up to 100 का स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज सिग्मा आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 100, समझे? यस सर, यू गॉट दिस पॉइंट? इट्स अ वे टू राइट, इट्स अ मैथमेटिकल वे टू राइट। ओके सर, नहीं तो पूरा खोल के लिखना पड़ेगा। गॉट इट? यस। तो इंटरनल एनर्जी का देखो, तुम नीचे एक्सप्रेशन को मत देखो, तुम बस इसको देखो कि इंटरनल एनर्जी किसका सम है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक, और मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये CBSE में स्कूल में आप जब प्रूफ लिखोगे तो ये स्टेप पहली स्टेप होगी आपकी। आगे ये बताओ मॉलिक्यूल जो है जब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा या उसके तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है? तीनों डायरेक्शन में है ना, तीनों डायरेक्शन मूव करेगा, समझे? यस सर। तो जब मैं हाफ एमवी स्क्वायर लिखूंगा या जब मैं इसकी वेलोसिटी लिखूंगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी 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 वेक्टर लिखूंगा, तो आपको लगता नहीं ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप होना चाहिए? क्यों सर, कोई भी मॉलिक्यूल तो तीन डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऐसे लिखूंगा ना। यस सर, यस सर। ये बताओ इसकी स्पीड अगर मुझे लिखनी हुई मैग्नीट्यूड तो वो कैसे लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये मैं रूट हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि रूट को हटाना ही है, तो ये रूट अगर मैं हटाता हूं तो ये चीज क्या बन जाती है? कैन आई से दिस वी स्क्वायर इक्वल टू दिस थिंग? आई बात समझ में? आई कि नहीं? यस सर। तो जब मैं वी वन स्क्वायर लिखूंगा तो ये एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर होगा, जब मैं वी टू स्क्वायर लिखूंगा तो ये वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी जेड टू स्क्वायर लिखूंगा, और ऐसे करके जब मैं लास्ट वाले मॉलिक्यूल की स्पीड लिखूंगा तो लास्ट वाले मॉलिक्यूल की स्पीड का एक्स कोऑर्डिनेट वी वी एक्स एन स्क्वायर स्क्वायर सॉरी वी एक्स वन स्क्वायर प्लस सॉरी वी वाई एन स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर प्लस वी जेड एन स्क्वायर। ये समझ में आ रहा ना क्या किया मैंने? अब ध्यान से देखो डेरिवेशन है यार, देखो डेरिवेशन थोड़ा सा तो टिपिकल होते हैं, बस लॉजिकली कनेक्ट करते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी तुम। अगर मैं राइट हैंड साइड का मीन ले लूं तो क्या होगा? वी एन स्क्वायर तक अपॉन एन, ये हुआ ना राइट हैंड साइड का मीन, समझे? यस सर।
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का मीन, राइट हैंड साइड में मीन लूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यार। सर v x n स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूं कि इन सब का मीन ले लूं एक बार, प्लस इन सब का मीन ले लूं, प्लस इन सब का मीन ले लूं, कैन आई से दिस और नॉट? यस सर। तो ये क्या, इन सब का मीन क्या मैं लिख सकता हूं, सिग्मा वी एक्स आई स्क्वायर बाय एन, कैन आई से, प्लस सिग्मा वी वाई स्क्वायर बाय एन, प्लस सिग्मा वी जेड स्क्वायर बाय एन, कैन आई से दिस और नॉट? दिखा आपको, दिखा कि नहीं? नहीं दिखा तो बताओ। यस सर, आगे समझ। इट मेक सेंस टू यू? यस सर। है ना, कुछ नहीं किया मैंने भाई, मैंने मीन वेलोसिटी लिख दी सबकी और सबके एक्स कंपोनेंट जोड़ दिए, वाई कंपोनेंट जोड़ दिए, जेड यानी जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं हवा में, इन सबके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट हो गए। So this is x component का स्क्वायर, ये y component की kinetic energy है और ये z component की kinetic energy है, और total x y z component जोड़ दूंगा तो total kinetic energy का average मिल जाएगा। ये बताओ, ये चीज हमने पढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये क्या है? VRMS। VRMS, ये VRMS है बस, ये RMS का स्क्वायर कर दिया तुमने। Yes sir, स्क्वायर कर दिया है ना, वी आर एम एस तो रूट था ना, वो रूट हट गया ना। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बताओ, एक्स डायरेक्शन में ज्यादा एनर्जी है, वाई डायरेक्शन में ज्यादा है, जेड में ज्यादा है, या रैंडमनेस के कारण तीनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तीनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ। क्यों, वाई, क्या लॉ, इसके पीछे लॉजिक क्या है? रैंडमनेस, रैंडम मोशन, रैंडम स्पीड्स, क्या कारण है कि किसी भी इंस्टेंट पे द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम ड्यू टू रैंडम मोशन, हेंस देयर इज अ रैंडम सिमेट्री, हेंस जितने मॉलिक्यूल जितनी स्पीड एक्स में होंगी उतने ही उसी टाइम वाई में, उतने ही उतने उसी टाइम जेड में, यानी मैथमेटिकली स्पीकिंग एक्स एनर्जी, वाई एनर्जी, जेड एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की एक्स डायरेक्शन में एनर्जी, वाई डायरेक्शन में एनर्जी, Z डायरेक्शन में एनर्जी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वली पार्टीशन होनी चाहिए, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हाउ विल यू एक्सप्लेन इन अ सिंपल स्टेटमेंट, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताइए, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, व्हाट इट इज, क्या ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस इन ऑल द मोशंस। लिखिए स्टेटमेंट, ये मिटा दूं, लिख लिया सबने? यस सर। तो आप अच्छा, इसको इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, मैं पिछला वाला मिटा देता हूं। ये लिखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट्स दैट एवरेज इंटरनल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन all the directions, that is x, y, z and all the type of all the
type of motion. That is translation, rotation, and vibration. And is equal to one by two KB into T, where KB is Boltzmann constant. Boltzmann constant KB is basically R upon Avogadro number. That is 8.31 divided by 6 into 10 raised to power 23. ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. तो आप देख सकते हो ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है लॉ? ये बोलता है कि जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज जानबूझ के एवरेज बोल रहा है, एवरेज की बात चल रही है यहां पे, इट इज अबाउट एवरेजेस, कि किसी भी मॉलिक्यूल की ऑन एन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल द डायरेक्शन एंड ऑल द टाइप ऑफ मोशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल. और बिकॉज ऑफ व्हाई लिख रहा हूं मैं, व्हाई का आंसर है बिकॉज ऑफ रैंडम motion of its molecules of gas in all directions and types of motion. In other words, there is no favorable direction for molecules in random motion. ठीक है, तो ये रीजन है, ये है वाई, वो था वॉट. अब आओ इस स्टेटमेंट को आप यहां पे लिखोगे, अब इसकी मदद से आगे का प्रूफ चलेगा. हेंस सिग्मा डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद क्या लिखा था आपने? इन रैंडम मोशन, इन रैंडम डायरेक्शन. ओके ठीक है, ये समझे आपके नहीं समझे? ये समझे? इंटरनल ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू इन वाई डायरेक्शन एंड शुड बी इक्वल टू इन जेड डायरेक्शन. मेक सेंस? आई होप इट मेक सेंस टू यू. यस सर. सो कैन आई राइट दिस एज इक्वल टू हाफ एम, can I write this as V RMS square, sigma V RMS square N is equal to 3 times V X square by N. Can I write this? Yes sir. समझ में आई बात? कैसे सर? क्योंकि ये sigma V RMS इन तीनों का सम था ना, X Y Z. Yes sir. Yes sir. तीनों सेम है तो टोटल नहीं मिल जाएगी, टोटल स्पीड का एवरेज. यस सर. सो दिस इज द फोर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना. सिमिलरली सो व्हेन वी राइट इंटरनल एनर्जी, ये बताओ इसमें कितनी डायरेक्शन होती है, क्या नाम है
क्या नाम है इसका, काइनेटिक एनर्जी में कितनी डायरेक्शन है? तीन होती है ना एक्स वाई जेड? यस सर, तीन। और हर एक डायरेक्शन में कितनी एनर्जी है? तीन तीन तीन। यही लिखा ना मैंने? यस सर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन डायरेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तीन डायरेक्शन हो जाएंगे ना इंटू थ्री। अच्छा यस सर। थ्री टाइम्स रोटेशन के अंदर भी तीन होती है ना? हाँ सर। तो हाफ थ्री टाइम्स केबीटी ड्यू टू रोटेशन, समझे? प्लस वाइब्रेशन में भी तो हो सकती है। तो वाइब्रेशन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि कितने एटम, कितने वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बी, नंबर ऑफ, बी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशनल मोड्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो एक ही उसके अंदर बॉन्ड है। अगर मान लो CO2 मॉलिक्यूल है तो दो बॉन्ड है। अगर CH4 मॉलिक्यूल है तो चार बॉन्ड है। तो जितने बॉन्ड उतने वाइब्रेशन ऐड होते जाएंगे। तो वो आपको दे देगा एग्जाम में, जनरली एक या दो देता है अच्छे क्वेश्चन के अंदर। बट याद रखना दिस इज द वाइब्रेशनल मोड्स बी। और हर एक वाइब्रेशनल मोड में दो होते हैं, एक तो मैंने आपसे बताया था ना, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। आई बात समझ में? और तो वो वाइब्रेशनल मोड्स की वैल्यू दी होगी। हाँ, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं तो देखो जरा क्या बन गया, ये 3+3+2b टाइम्स kb इंटू टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय 2। ये दिखा आपको? दिखा कि नहीं? लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, हमें तो सारे टोटल एनर्जी लिखने के लिए तो हर एक मॉलिक्यूल का लिखना है। सो दिस इनटू एन भी करना पड़ेगा, ऑल द मॉलिक्यूल। एवरेज है इनटू ऑल द मॉलिक्यूल, ये एवरेज है इनटू ऑल द मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो टर्म है बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। ये जो आपने लिखा ना, ट्रांसलेशन के तीन, रोटेशन के तीन और वाइब्रेशन के बी इंटू टू, क्योंकि एक वाइब्रेशन में दो हैं। ईच वाइब्रेशन मोड विल हैव टू ट्वाइस द कंट्रीब्यूशन। तो ये जो 3+3+2b बना, इसको एफ कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और देखिए यहीं से ही आपका वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, यू इज इक्वल टू एफ बाय टू एन आर टी। अब मैं आपको N और R भी बताता हूं। बेसिकली ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R बाय N लिखा? यस सर। जब आप इस चीज को रीराइट करोगे, सो दिस इज F बाय टू टी, और वहां पे हो जाएगा R बाय एवोगाड्रो नंबर, और ऊपर हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगाड्रो और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कट करोगे तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल। सो दिस बिकम्स एफ बाय टू एनआरटी। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द इंटरनल एनर्जी। दिस इज हाउ यू डिराइव, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और डेरिवेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेरिवेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। और ये दोनों एक ही बात है, एक ही डेरिवेशन चलता है दोनों में, क्योंकि यहीं से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिफाइन हुआ और यहीं से इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एफ बाय टू एनआरटी भी हुआ। चलिए अब आगे इसके दो तीन नोट लिखते हैं, फिर आगे खत्म करते हैं इसको। नोट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, इसका वाला पेज दिखा देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री। बताओ थ्री क्यों है, बाकी जीरो क्यों है? थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो, बताइए बाकी जीरो क्यों है? वाइब्रेशन वाला जीरो क्यों? वाइब्रेशन और रोटेशनल। वाइब्रेशन जीरो क्यों हो गया? क्योंकि मोनोएटॉमिक में कोई बॉन्ड ही नहीं है,
यस सर। मोनोटॉमी में कोई काय का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के लिए तो दो चाहिए ना, वो तो हिलेगा था, वो तो ट्रांसलेशन है। वाइब्रेशन तो रिलेटिव होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसलिए वाइब्रेशन वाला जीरो, राइट। अच्छा रोटेशन वाला जीरो क्यों है, कोई सोच सकता है रोटेशन? क्या ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहे होंगे क्या? सर गोल होंगे तो चारों साइड। क्या रोटेशन वाला जीरो क्यों हुआ भाई? रोटेशन वाला जीरो इसलिए हुआ बच्चों, रोटेट तो कर रहे हैं बट इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है, क्योंकि पॉइंट मास होता है ना एक मॉलिक्यूल, तो इनका मास इतना छोटा है और अपनी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो वो पॉइंट है, गोल है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है। तो आई एक्स आई वाई आई जेड जीरो होने के कारण ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तीन होती है। सेकंड, डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री प्लस वन प्लस जीरो एट लो टेम्परेचर, थ्री प्लस वन प्लस, बताओ वाइब्रेशन के कितने मोड आएंगे यहां पे, खुद से सोच के बताओ डायटोमिक में। एक एक ही आएगा ना, क्योंकि एक ही तो एटम है, तो हाई टेम्परेचर पे प्लस वन हो जाता है बस। अच्छा प्लस वन या वन इंटू टू करना, वन इंटू टू करना चाहिए, क्योंकि एक वाइब्रेशन में दो है, समझे? अच्छा यहां पे मैंने वन क्यों किया, ये सॉरी ये भी टू होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मोनो डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू होती है फाइव एट लो टेम्परेचर एंड सेवन एट हाई टेम्परेचर, याद रहे, जब मैं व्हेन वी काउंट वाइब्रेशन आर काउंटेड, वाइब्रेशन मोड्स आर काउंटेड, सिंपल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन क्यों रोटेशन में एक क्यों छोड़ दिया। देखो ये एक डायटोमिक गैस है, अगर मैं इसके रोटेशन को देखूं तो इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस एंड इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, दिस एड, बताओ इनमें से कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है, बताओ कौन सी एक्सिस है जिसके जिसपे ये दोनों मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, इन तीन में से कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं उन्हीं के अबाउट जीरो हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस। तो यहां पे आई एक्स जीरो हो जाता है, मतलब हमेशा दो में से एक में जीरो रहेगा, यानी रोटेट तो कर रहा होगा लेकिन इस वाली मॉलिक्यूल, इस वाली एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, रोटेट तो कर रहा है बट एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है, सो ओनली सिग्निफिकेंट एनर्जी काउंट होती है, तो आई वाई और आई जेड काउंट होगी, तीन में से दो काउंट होती है, इसीलिए रोटेशन में सिर्फ कितनी है, दो है, क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं हम लोग इन जनरल। अगला लास्ट, मुझे डाउट है। हाँ बोलो। क्या वो हाई टेम्परेचर वाला वन इंटू टू कैसे हुआ लास्ट थ्री प्लस टू? ये यहां पे इसको एज ए नोट लिख लीजिए, वाइब्रेशन के अंदर ईच वाइब्रेशन मोड accounts for two degree of freedoms, समझे? Due to kinetic and potential energy in it. तो हर एक degree of freedom, हर एक vibration mode will be counted as two, समझे? Yes sir. And last but not least, poly उसमें सारे ही हो जाएंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड, पॉली नॉन लीनियर के अंदर हो जाएंगे f इक्वल टू थ्री प्लस थ्री प्लस बी टू बी, समझ में आई बात? वेयर b इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, ये आपको देगा वो, ये आपको पता नहीं चल सकता खुद से कि कौन से दो एटम के बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, दिस विल शुड बी गिवन। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट
the concept of degree of freedom, law of equipartition of energy and VRMS. अगली क्लास में प्रेशर को डिराइव करेंगे और उसको और मीन फ्री पाथ और दिस विल बी ओवर.